गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल फर्दर कंटिन्यू द फिफ्थ चैप्टर ऑफ हिस्ट्री विच इज रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। टुडे वी स्टार्ट व्हाई वर टेम्पल टारगेटेड और डिस्ट्रॉयड। मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया? बिकॉज किंग्स बिल्ड टेम्पल टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन to God and their power and wealth। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा प्रदर्शन हेतु करते थे। It is not surprising that when very attacked one another kingdoms, they often targeted these buildings। In the early 19th century, when the Pandyan kings Srimal Sri Vallabh invaded Sri Lanka and defeated the King Sen, राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। नवीं शताब्दी के प्रारंभ में पांड्यन राजा श्रीमल श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया था। द बुद्धिस्ट मोनक एंड क्रोनिकलर धम्मकीर्ति नोटेड ही रिमूव्ड ऑल द वैल्यूएबल द स्टेच्यू ऑफ द बुद्ध मेड इंटायरली ऑफ गोल्ड इन द ज्वेल पैलेस एंड द गोल्डन इमेज इन द वेरियस मोनेस्ट्रीज ऑल दीज He sized the blow to the part of the Sinhalese ruler had to be avenged and the next Sinhalese ruler Sen Second ordered his general to invade Madurai, the capital of the Pandyas। उसने उसके विषय में बौद्ध भिक्षु इतिहासकार धम्मकीर्ति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया था। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंगली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंघली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। द बुद्धिस्ट क्रॉनिकलर नोटेड दैट द एक्सपेडिशन मेड ए स्पेशल एफोर्ट टू फाइंड एंड रेस्टोर द गोल्ड स्टेचू ऑफ द बुद्ध। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। सिमिलरली इन द अर्ली 7th सेंचुरी व्हेन द चोल किंग राजेंद्र फर्स्ट बिल्ट ए शिव टेम्पल इन हिज कैपिटल ही फील्ड इट विथ प्राइज्ड स्टेच्यू साइज्ड फ्रॉम डिफीटेड रूलर्स। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया तो उसने पराजित
शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एन इनकम्प्लीट लिस्ट इंक्लूडेड एसन पेडेस्टल फ्रॉम द चालुक्स ए गणेश स्टेचू एंड सेवरल स्टेचूज ऑफ दुर्गा नंदी स्टेचू फ्रॉम द ईस्टर्न चालुक्स एंड इमेज ऑफ भैरव ए फॉर्म ऑफ शिव एंड भैरवी फ्रॉम द कलिंग्स ऑफ उड़ीसा एंड ए काली स्टेचू फ्रॉम द फॉल्स ऑफ बंगाल। एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थीं: चालुक्यों से प्राप्त एक शूर पीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव यानी जो कि शिव का एक रूप है तथा भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनीवाद कंटेम्प्रेरी ऑफ राजेंद्र फर्स्ट ड्यूरिंग हिज कैंपेन्स इन द सब कॉन्टिनेंट ही आल्सो अटैक्ड द टेम्पल्स ऑफ डिफीटेड किंग्स एंड लूटेड देयर वेल्थ एंड आइडल्स। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियान के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। सुल्तान मोहम्मद वाज नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एट दैट टाइम बट बाय डिस्ट्रॉइंग टेम्पल्स स्पेशली द वन एट सोमनाथ ही ट्राइड टू विन क्रेडिट एज ए ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द मिडिल एज मोस्ट रूलर्स डिस्प्लेड देयर पॉलिटिकल माइट एंड मिलिट्री सक्सेस बाई अटैकिंग एंड लूटिंग द प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफीटेड रूलर्स। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर से सोमनाथ का मंदिर उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनैतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थल पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। गार्डन्स टॉम्स एंड फोर्ट्स बाग मकबरे तथा किले अंडर द मुगल आर्किटेक्चर बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहां वर personally interested in literature, art and architecture। मुगल के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। इन हीज ऑटोबायोग्राफी बाबर डिस्क्राइब हीज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन्स प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर वॉल्ड इंक्लोजर्स एंड डिवाइडेड इनटू फोर क्वार्टर्स बाय आर्टिफिशियल चैनल्स।
अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा चार भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपने रुचि का वर्णन किया है। These gardens were called Charbagh Four Gardens because of their symmetrical division into quarters. Beginning with Akbar, some of the most beautiful Charbaghs were constructed by Jahangir and Shah Jahan in Kashmir, Agra and Delhi. चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये चार बाग कहलाते थे। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर चार बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। देयर वर सेवरल इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशन ड्यूरिंग अकबर्स रीजन फॉर इंस्पिरेशन। अकबर्स आर्किटेक्ट द टॉम्स ऑफ दिस सेंट्रल एशिया एंसेस्टर तैमूर द सेंट्रल टावरिंग डॉम एंड द टॉल गेट बिकम इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट ऑफ मुगल अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तु कलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने अपने मध्य एशियाई पूर्व तैमूर के मकबरों से ली। हुमायूं के मकबरे में आर्किटेक्चर फर्स्ट विजिबल इन हुमायूं टॉम्स वाज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ ए ह्यूज फॉर्मल चारबाग एंड बिल्ट इन द ट्रेडिशन नॉन एज एट पैराडाइसेस और हसित फिसित ए सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाय एट रूम्स द बिल्डिंग्स वाज कंस्ट्रक्टेड विथ रेड सैंड स्टोन एट विथ व्हाइट मार्बल। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण आठ स्वर्गों अथवा हस्तविहिस्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष आठ कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने थे। इट वाज ड्यूरिंग शाहजहां reason that the different elements of Mughal architecture were fused together in a grand harmonies synthesis. His region witnessed a huge amount of construction activity, especially in Agra and Delhi. Shah Jahan ke shasan kal ke dauran
मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहाँ के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई गई थी। शाहजहां ऑडियंस हॉल्स वर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिसेम्बल ए मॉस्क्यू द पेडेस्टल ऑन विच द थ्रोन वाज प्लेस्ड वाज फ्रिक्वेंटली डिस्क्राइबेड एज द क्यूबला द डायरेक्शंस फोर्स्ड बाई मुस्लिम्स एट प्रेयर। शाहजहाँ के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उनका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्रायः किबला यानी नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था द आइडिया ऑफ द किंग्स एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ वाज सजेस्ट बाई दीज आर्किटेक्टिकल फीचर्स। उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। इन वास्तुकला लक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। थैंक यू।